गुड मॉर्निंग। कल का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, उस लेक्चर को हम आगे परस्यू कर रहे हैं। और कल हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज हम चार्ज को ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे। चार्ज को क्या करने की बात करेंगे? ट्रांसफ़र। भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा चार्ज नाइदर बी क्रिएट नाइदर बी स्टोर और डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हाउ, इसके यहाँ पे तीन वेज हैं, देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। ड्यू टू द contact of two bodies, due to the contact of two bodies, charge transfer। जैसे कि मान लो ये एक body है A, और एक body क्या है बेटे, B। इसके पास 5 कूलम चार्ज है और इसके पास 3 कूलम चार्ज है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा, ए और बी। कॉन्टेक्ट में रखने के बाद इनका सम अप कितना हो गया, 8 कूलम। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या पाया, ए और बी के ऊपर इक्वल इक्वल चार्ज आ गया, 4 कूलम 4 कूलम। दिस इज कंडक्शन, मतलब ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज चार्ज ट्रांसफर, इज इट। नेक्स्ट मेथड है इसका फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन। व्हेन टू बॉडीज रब with each other, मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं तो वहाँ पे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे चार्ज का जो शेयर होना होता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जैसे कि एक ग्लास रोड है, इसको मैंने एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, रबिंग करने पे, तो आपने क्या पाया कि ग्लास रोड के ऊपर जितना चार्ज मिला उतना ही उसका अपोजिट, मतलब इस पे अगर 3 पॉजिटिव चार्ज मिले तो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज मिले। तो सम ऑफ चार्ज इधर भी 0 है और सम ऑफ चार्ज इधर भी 0, क्रिएट भी नहीं हुआ और प्रोड्यूस भी हुआ। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। पॉज करके इसे नोट करेंगे। थर्ड टॉपिक और तीसरा मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE इसमें से क्वेश्चन पूछती है, इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। मान लो ये एक इंडक्टर है जिसके ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसके पास मैंने एक मेटालिक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। जैसे ही मैं इसको इसके क्लोज लेके जाता हूं तो यहां पे सारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, सारा का सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज इंड्यूस ऑन इट, और इससे रिपेल होकर इसमें से क्या जाएगा, इससे अपोजिट सारा का सारा कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दीज आर टेम्परेरी चार्ज, दीज आर टेम्परेरी चार्ज। यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है इसका अपोजिट है। मान लो ये नेगेटिव होता
तो ये सारे पॉजिटिव होते और नेगेटिव का अपोजिट यहाँ आ जाता। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे? इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंडक्शन। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी, जो हर घर में आप ऑब्जर्व करते हैं और उसको फील भी करते हैं, आप घर में देखिए थ्री पिन प्लग होता है, मेल भी और फीमेल भी, तो उसमें एक सबसे साइज में भी बड़ा, लेंथ में भी बड़ा और विड्थ में भी चौड़ा, उस पिन को हम अर्थिंग पिन कहते हैं। अर्थ करने का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम चार्ज, जो इंटायर चार्ज है जो यूज़ नहीं करना होता, वो अर्थ की तरफ मूव कर जाए। जैसे कि दिस प्रोसेस इन विच अर्थिंग, अर्थिंग को हम ग्राउंडिंग भी कह देते हैं। जब आप कभी गांव वगैरह में जाओगे या किसी बिल्डिंग को बड़े ध्यान से देखोगे, तो उस बिल्डिंग के किनारे पे एक मेटल की स्ट्रिप्स धरती के नीचे 2-3 किलोमीटर तक या किसी भी हाइट डेप्थ के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है और रखा जाता है। इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। मतलब जो अपने सारे चार्ज को अर्थ के अंदर क्या करता है? शेयर करता है। उसको दूसरी लैंग्वेज में आप क्या कहोगे? व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, मतलब एक बॉडी को हम अर्थ के साथ कर देते हैं। अभी मैं इसका फिनोमिना भी समझाऊंगा। इट्स एंटायर चार्ज पासिस टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट्री करंट। मतलब क्या हुआ कि देखो, फ्लो जो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखिए कि इस बॉडी को आपने सारा का सारा क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सारी बॉडी को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब कि अब ये क्या करेगा? इस बॉडी को जैसे ही आपने ये अर्थ, अर्थ का सिंबल ये होता है, अर्थ का पोटेंशियल माय डियर याद रखना जीरो होता है, कोई भी पूछ ले। तो ये अपना फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट, हमेशा नीचे की ओर जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज अर्थ की तरफ, और इसकी तरफ क्या आना शुरू हो जाएगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन। और ये बॉडी कंप्लीटली कैसी हो जाएगी बेटे? नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, उसको आपने अर्थ कर दिया, तो करंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि करंट, कल लेक्चर में बताया, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लो ये टोटल बॉडी क्या है? नेगेटिव है। इसको आपने अर्थ कर दिया और आपको मैंने ही कह दिया कि भाई इसको तो आपको क्या बनाना है? नेगेटिव चार्ज बनाना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाना है। तो आप क्या करोगे? अर्थ किया नेगेटिव बॉडी को, तो मैंने क्या कहा था अभी? फ्लो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन सारे निकल जाएंगे, तो इसके अंदर क्या रह जाएगा? सारी की सारी बॉडी आपकी क्या हो जाएगी बेटे? पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, दिस इज करंट, दिस इज करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अर्थिंग, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अर्थिंग। आप इसको एज इट इज मेंटेन करेंगे। अब जब आप घर में वायर्स लेके आते हैं, तो आप क्या देखते हो कि उसमें तीन कलर के वायर होते हैं। एक लाइव वायर, जिसका कलर क्या होता है बेटे? रेड कलर होता है। न्यूट्रल वायर, जिसका कलर क्या होता है बेटे? ब्लैक एंड ब्लू होता है। ग्रीन वायर, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन वायर, सॉरी, ये अर्थ वायर होना चाहिए, उल्टा लिख गया, सॉरी, आप लोग इसको सेट कर लेना, उसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं। गॉट इट? इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम करवाता हूँ, उस प्रॉब्लम को समझिए। देखिए उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैंने एक बॉडी दे दी और इस बॉडी को मैंने कहा कि या तो पॉजिटिव बना दो या नेगेटिव बना दो।
कोई भी एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, इसके पास कोई भी एक चार्ज बॉडी ले गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले गया, इसको एक डिस्टेंस पे मेंटेन किया, डिस्टेंस पे मेंटेन करना, यहाँ पे क्या होगा बेटे, अभी मैंने पढ़ाया इंडक्शन, क्या होगा इंडक्शन। इस अपोजिट चार्ज की बॉडी को यहाँ पे अगर मैं लेके गया तो इसके अंदर कौन सा चार्ज मेंटेन होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे, नेगेटिव आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यही था ना इंडक्शन, कि अपोजिट चार्ज कम क्लोज एंड सेम चार्ज मूव अपोज। अब इसको आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अपोजिट चार्ज मेंटेन हो गया तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ क्या है, ये नेगेटिव। आपने क्या करना है, मान लो इसको मैंने पॉजिटिव बनाना है, तो मैं नेगेटिव चार्ज को क्या कर दूंगा, अर्थ, और मान लो मैंने क्या बनाना है इसको नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, अर्थ अब किस तरफ लगाना चाहिए, अब अर्थ मुझे इस तरफ लगाना चाहिए। अर्थ लगाने से अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, कि नेगेटिव चार्ज को मैंने अर्थ किया, तो नेगेटिव चार्ज को अर्थ करने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ मूव करने का, मतलब एक्सेस चार्ज मूव करेगा, और इधर क्या मूव करेगा बेटे, करंट। तो आपका नेक्स्ट और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी बॉडी क्या बन जाएगी बेटे, पॉजिटिव बन जाएगी। कुछ समझ में आया, सेम इसका भी समझ लो, कि मैंने इसको अर्थ कर दिया तो क्या होगा बेटे, करंट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो आपकी ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर करना, कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव बनाना है और एक नेगेटिव बनाना है। चलो क्वेश्चन क्या है, मैं सॉल्व ही करवाता हूं, कि इस तरफ, सॉरी ये यहीं तक है बेटे, मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज रखते ही आप सोचो इसके इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इससे अपोजिट इसका सेम चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इस बॉडी में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, वो नेगेटिव को अपनी तरफ पुल कर लेगा, और ये किसको रिपेल कर देगा, पॉजिटिव को रिपेल कर। अब आपने क्या करना है, एक बॉडी को अर्थ कर देना है। ये तो सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको एनसीईआरटी पढ़कर बहुत अच्छे से ट्राई करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ 1785 में फ्रेंच फिजिस्ट सीए कोलम्स ने दिया था। इसका ये था कि भी दो चार्ज, मतलब चैप्टर का नाम क्या है आपका, इलेक्ट्रो स्टैटिक, चैप्टर का नेम है आपका इलेक्ट्रो स्टैटिक। उन्होंने ये बात बताई कि भी चार्ज कभी भी रेस्ट में रहे तो उसके रेस्ट के कारण एक बनने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन्होंने ये बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ड्यू टू देयर रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मींस क्या बताया था, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको ग्रीक में लिखा जाता है बेटे ELKTRON, इलेक्ट्रॉन,
स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम, रेस्ट। तो दिस कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, कहता है कि एक फोर्स बनता है भाई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है। अब उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। कहता है कि कंसीडर, डायग्राम में बता रहा हूं कि दो चार्ज हैं आपके पास, वन इज क्यू वन एंड अनदर इज क्यू टू। कंसीडर देयर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। ठीक है जी, आर पे रख दिया। अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं, ये चार्ज पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, तो इन दोनों में एक फोर्स बनेगा, दैट फोर्स इज रिपल्सिव, दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। ओके है। अगर ये चार्ज अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। क्लियर। अब वो ये कहता है कि दिस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब जो बनने वाला फोर्स है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। लाइन समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस फोर्स। तो इसका ग्राफ अगर बनाने लगे तो Q1 into Q2 F, तो ये क्या बनेगा बेटे, ऐसा। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, बहुत मायने रखता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल। दूरियां बढ़ी रिश्ते घटे, और रिश्ते घटे दूरियां बढ़ी, मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम हुआ फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, यूनिवर्सल लॉ कहलाता है बेटे। एफ न्यूटन में, आर ऐसे कुछ, कुछ समझ में आया, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो एफ क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने के लिया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्केयर, वेयर के इज इलेक्ट्रो स्टैटिक कॉन्स्टेंट। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे बोलते हैं बेटे एप्साइलन नॉट। इसकी वैल्यू होती है बेटे 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85×⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन एक्चुअली है क्या, मतलब दो चार्ज, मान लो मैंने ये दो चार्ज लिए थे क्यू वन और क्यू टू, आर डिस्टेंस पे रखा, इसको मैंने एयर और वैक्यूम में लेके रखा, एयर और वैक्यूम में रखा, तो इस वैक्यूम में उसको जो परमिटिविटी मिली, मतलब जो फोर्स बनाने की परमिशन मिली, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मतलब जिस मीडियम में आप, वाटर में रख लो, मेटल में रख लो, कहीं पे भी रख लो,
विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम. मतलब जिस मीडियम में आप दो चार्ज रखकर कोई फोर्स प्रोड्यूस करवाते हो दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यही अरेंजमेंट उठाया और उसको मैंने कहाँ रख दिया बेटे, Q1 और Q2. आर डिस्टेंस के ऊपर वाटर के अंदर, किसके अंदर रख दिया, वाटर के अंदर. तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज, मतलब वो होता है बेटे 1/80th टाइम. मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर वाटर में रखोगे तो उसका जो फोर्स रेशियो आएगा 1/80 टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन एयर. मतलब एयर के कंपैरिजन में. अभी मैं उसका एक करवाता हूँ आपको उसके बारे में. देखिए इसे बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मतलब के. कि सपोज करो कि आपने यही चार्ज Q1 Q2 R को एयर में प्लांट किया, मतलब एयर में रख दिया, तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगा. क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square जब वो एयर में था. अब इसी चार्ज को आपने Q1 Q2 उसी सेम डिस्टेंस पे रखा, पर किसी मीडियम में रख दिया. मान लो किसी मीडियम में रख दिया, उसकी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, उसकी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट थी. तो यहाँ पे भी फोर्स बनेगा एफ मीडियम, यहाँ पे एफ क्या ले लिया आपने, वैक्यूम. तो 1/4π Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दिस इज सेकंड. तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड. तो एफ वैक्यूम एफ मीडियम क्या आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. 1/4π से 1/4π, तो आपके पास क्या बच गया, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम दैट इज के, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ई बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. पॉज करके आप इसे देखना. देखिए जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो देखिए अगर मैं कहता हूँ कि कोई बॉल है, इसका मास m है, तो वो अर्थ की तरफ गिर रहा है भाई, वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, पर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर वो बॉल रुक गई, बिकॉज देर इज अनदर बॉल, देर इज अनदर बॉल जो कि इसके आर के डिस्टेंस पे है. इसका नेचर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये रुकेगा, तो इसका मतलब इसका भी नेचर पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्ज ही इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स ऊपर गया. समझ में आ रहा है मेरी बात, मैंने ऊपर से एक बॉल फेंकी और वो बॉल क्या है, एक हाइट के ऊपर रुक गई, तो इसका मतलब जिस जगह पे ये बॉल आकर रुकी तो वहाँ पे इसका रुकने का कारण क्या था, कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स उसे मिल रहा है. तो नीचे की ओर इसका फोर्स क्या जा रहा है, वो है W, W मतलब वेट, दैट इज इक्वल टू mg.
तो यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके वेट के बराबर हुआ, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इन टू, ये एक रिलेशन तैयार। समझ रहे हैं आप? तो आइए अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट है, पॉज करके आप इसे फेयर नोटबुक में जरूर करेंगे। कहता है कि ए फ्री पिथ बॉल, पिथ बॉल ये वाली बॉल नीचे की ओर गिरनी शुरू हुई, जिसका मास 8 ग्राम है। मास कितना है? 8 ग्राम। तो इसको 8 किलोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? 10^-3 kg करोगे। कितना करोगे? 10^-3 kg। जब ये नीचे गिरा, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका जो चार्ज था कितना है, क्या हो रहा है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज 5×10^-8 कूलम। कहता व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी गिवन टू द सेकेंड पिथ बॉल बी, मतलब ये ए हो गया, मतलब यहाँ पे एक अर्थ पे मैंने एक बॉल और रख दी, बी, कि इसको क्या चार्ज दिया जाए। ये मान लो क्यू वन, तो कहता है क्यू टू क्या चार्ज दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर बिलो फॉर्मर बॉल। तो मतलब यहाँ पे आके ये रुक गया, मतलब ये डिस्टेंस इसका कितना हो गया, सेंटर डिस्टेंस आर 5 सेंटीमीटर, तो 5×10^-2 मीटर रुक जाए। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ आ गया, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला, नीचे क्या मिला बेटे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे दो बातें, एफ ई इज़क्ल टू एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर इज़क्ल टू एम जी। नेचर इसका तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका नेचर पॉजिटिव होगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो हो गया ना कि उसका नेचर क्या होना चाहिए, नेचर पॉजिटिव है, नेचर क्या है, पॉजिटिव। अब आपको क्यू टू निकालना है बेटे, क्यू टू एम इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, क्यू वन इंटू के। के की वैल्यू आपको पता है कितनी बताई थी अभी थोड़ी देर इसी लेक्चर में, 9×10^-9। कितनी बताई थी? 9×10^9। क्लियर? 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। एम आपको ये मिल गया, क्यू वन आपको ये मिल गया, अब आप यहाँ से क्यू टू निकाल सकते हो। क्लियर? ये क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.36×10^-7 कूलम। ये स्टेटमेंट है, ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। और रुको, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।